हेलो दोस्तों, वेलकम टू चीनी द स्क्वायरल चैनल। में हमारी स्क्वायरल का नाम चीनी है। तो आजकल इतनी गर्मी हो रही है, इंसान क्या जानवर भी बहुत परेशान हो रखा है। हमारी चीनी भी गर्मी से बेहाल है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स यूज़ करते हैं, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। एक कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर उस पर स्प्रे बॉटल से पानी छिड़क देते हैं, इससे कपड़ा नम हो जाता है। और कपड़े को नम करके हम लोग चीनी के तेज में रख देते हैं इस तरह, और फिर चीनी को बिठा देते हैं। इससे थोड़ी मिलेगी, तो देखिए चीनी को पसंद आता है कि नहीं आता है। तो पहले तो चीनी ने इधर उधर देखा, थोड़ा बहुत चेक किया उसको कपड़े को, फिर उस पर जाके आराम से लेट गया। चिंदू इस टाइम खाना नहीं खा रहा है, तो हम लोग उसके पानी पीने पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे उसको डिहाइड्रेट ना हो पाए। देखिए पानी पीने में भी इनके बड़े नखरे हैं, पानी नहीं पीना है इनको। तो ऐसे में हम लोग चीनी को पानी पिलाते हैं अपनी फिंगर टिप्स से। अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो के हम लोग एक एक बूंद करके पानी पिलाते हैं। तो ऐसे एक उंगली पे एक बूंद पानी लेते हैं और उसको पिलाते रहते हैं। तो इस तरह थोड़ा बहुत वो पानी पी लेता है, वरना नहीं पीता है जल्दी। और चीनी का गर्मियों में लेटने का पोज ऐसा ही है, पीठ के फल लेटता है इंसानों की तरह। तो ऐसे थोड़ा बहुत पानी पिला देते हैं, इससे वो डिहाइड्रेट ना हो पाए। देखिए, और गर्मियों में अपने घर में बहुत कम बैठता है। ऐसे हमारे कभी पैर पे बैठा है, कभी कंधों पे बैठता है, कभी हम लोग सो रहे होते तो ऊपर आके बैठ जाता है। ये देखिए, आप ये टिप अपने स्क्वायरल के लिए यूज़ कर सकते हो। चीनी कहाँ गया? अंदर नहीं है ना, ऊपर बैठा है। कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया चीनी? ऊपर भी नहीं, तख्त पे बैठा दिख रहा है। कहाँ गया? अच्छा, यहाँ बैठे हो तुम। हम लोग ऊपर ढूंढ रहे हैं कि चीनी कहाँ चला गया, सब लोग परेशान है, तुम यहाँ आराम से बैठे हो। शैतान। ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।